नमस्कार, मैं उदयन मोड़क, मैं महाराष्ट्र में पुणे से आया हूँ और मैं यहाँ इस समय बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो जन्म से ही सीपी चाइल्ड थी और उसके बाद उसको मैंने स्कूलिंग उसका शुरू किया, परंतु उसकी 8 साल की उम्र में उसको सेरेब्रल मलेरिया हो गया, जिसकी वजह से उसका जो अर्ली सिम्टम्स थे वो और ज़्यादा बढ़ गए और वो पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर निकल गई। उस समय मैंने एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी, इन तीनों पैथीज का भरपूर प्रयास किया मेरी बेटी को वापस से प्राप्त करने के लिए, परंतु मैं निराश रहा और उसमें मेरे 15 साल बेटी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 15 साल गुजर गए। उसके बाद मैं पूरी तरह निराश हो गया, जबकि सभी पैथी के लोगों ने मुझे कह दिया कि इसका इससे और ज़्यादा इलाज अच्छा हो नहीं सकता। मेरे घर के पास ही इलाहाबाद की संस्था है, उस संस्था का एक सेंटर चल रहा था एक्यूप्रेशर का, तो वहाँ के कुछ मेरे जानकार लोगों ने मुझे वहाँ आने का सलाह दी। हालांकि मैं निराश था, मैं ये सोच रहा था कि जब इन इन पेथियों ने मुझे जवाब दे दिया है तो मेरे बेटे का और कुछ नहीं हो सकता, परंतु मैं उनके कहने पर वहाँ चला गया और वहाँ उन्होंने उसकी तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दी और उस ट्रीटमेंट शुरू करने के तकरीबन 15 दिन बाद मैंने देखा कि मेरी बेटी में बदल आ रहा है, मेरी बेटी में टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। जैसे पहले वो घर भर दौड़ती रहती थी, अब वो थोड़ा शांत हो गई है, अब बिना कारण वो दौड़ती नहीं है। इस तरह से मैंने देखा कि मैंने इससे मेरा उत्साह और बढ़ा कि हाँ, इस एक्यूप्रेशर से मेरी बेटी को मैं संवार सकता हूँ। और इस तरह से मेरा भी विश्वास एक्यूप्रेशर में बढ़ता गया और मैं भी उसको सीखने लगा और मेरी बेटी का उपचार भी चलता रहा और महीना दर महीना मुझे एक एक उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगा कि जैसे अब दौड़ना भागना तो छोड़ो, 4 महीने के बाद वो एक जगह शांति से बैठ के टीवी देख सकती थी, शांति से बैठ के कंप्यूटर पे मैंने उसको गेम्स लगे दिए थे, वो गेम्स खेलने लग गई थी। इस सब से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मैंने वो उपचार शुरू किया। मेरा कहना अब और भी लोगों से यह है, जो माता पिता जिनके यहाँ इस तरह से विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे आगे अंधेरा है, हमें अब इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये समझ लीजिए कि वही माता पिता जो हैं वो उस बच्चे को संभाल सकते हैं, इसका भगवान को विश्वास है और भगवान ने उन माता पिताओं के घर में ऐसे बच्चे दिए हैं। तो उन माता पिताओं को निराश न होते हुए मैं उन्हें यह सलाह दूंगा कि आप इलाहाबाद में शोध, प्रशिक्षण और उपचार संस्था एक्यूप्रेशर की बहुत ही अच्छा काम कर रही है, उसमें जाएं, उसमें मिलें। वहाँ पे श्रीमान जेपी अग्रवाल साहब पूरे तन मन धन से वहाँ लगे हुए हैं और उनके साथ ही अध्यक्ष खेमका जी भी इस कार्य में, इस महान कार्य में लगे हुए हैं। ये महान कार्य इसलिए है क्योंकि जो माता पिता आज निराश हैं उनको वो उत्साह देना चाहते हैं कि अपने बच्चे का भविष्य वो सुधार सकते हैं। तो मेरी सबसे विनती है कि आप वहाँ जाइए और वहाँ से अपने बच्चे का उपचार करके उनका भविष्य बनाइए। सबसे बड़ी बात इसमें ऐसी है कि इस पैथी में आपको कोई दवाई मुँह में देने नहीं पड़ती जिससे कोई साइड इफेक्ट्स हो, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके कोई नेगेटिव परिणाम नहीं है, परिणाम हुए तो अच्छे ही परिणाम होने वाले हैं, इंजेक्शन नहीं, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं है। और दूसरी बात, सबसे महत्व की बात यह है कि इसमें खर्चा नाम मात्र है,
आज हम देखते हैं एलोपैथी में हम उपचार, हमारे जेब में पैसा नहीं होता है इसलिए हम हमारे बच्चे का उपचार नहीं करवा सकते। इस सुविधा से आप अपने बच्चे का पूर्णतः उपचार करवा सकते हैं क्योंकि इसमें ये खर्चे बिल्कुल नहीं है। मैं डॉक्टर आलोक पाठक, मेडिकल ऑफिसर, यूपी गवर्नमेंट। मैं 27 साल की एज, मेरी उम्र अभी 30 साल है, मेरी 27 साल, मैं 27 साल की एज से पार्किंसन नामक रेयर डिसऑर्डर से ग्रसित हूँ। पहले मैंने एलोपैथ ट्राई किया, एलोपैथ पर डॉक्टर ने मुझे साफ कहा कि इसमें आप क्योर नहीं, मेडिसिन से सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते गए, निराशा बढ़ती गई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा करियर खत्म होने वाला। फिर मेरे दोस्त ने एक प्रोफेसर के लिए सलाह दिया और मैं यहाँ पर ना चाहते हुए मन मार के आया। मैंने सोचा कि ये बड़े बड़े कंपनी वाले रिसर्च सेंटर से कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या करने हैं, लेकिन वो उसने फोर्स किया हम यहाँ आए। और मैं आज 6 महीने के अंदर मुझे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील हुआ है। अब मेरी मेडिसिन कम हो रही है धीरे धीरे, हो सकता है कि खत्म हो जाए। थैंक्स सर प्रोफेसर, थैंक्स डॉक्टर सर, और थैंक्स।